जब मैं घर पर आया हूँ तो घर पे हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए। मेहमान कौन आया भाई, दिखा दूं? याद है शर्मा गई लड़की। तो भाई चाय पानी और नाश्ते का बंदोबस्त किया हुआ है। बात सारी है कि भाई ये बता के नहीं आया, नहीं अचानक ही टपक गई। पहले से और थोड़ी बुरी हो गई है, पहले थोड़ी अच्छी थी। नकाब भी कर लिया बेचारी ने। ये होता है शादी के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। 8 बजे ब्लॉग शुरू करने वाली इस वजह से कि भाई आज है अहमद साहब का रिजल्ट, और जाना तो हम सबको ही था, अहमद को, मुस्तफ़ा को, हेरा को, मुझे। तो अभी सीन कुछ ऐसा कि भाई मैं अकेले रिजल्ट लेने जा रहा हूँ। मैंने बोला यार इन लोगों को उठाओगी, पंचायतें करेंगे, इतनी चिक चिक किल किल मचेगी। भाई डिसाइड ये हुआ कि भाई मैं अकेले जा रहा हूँ और रिजल्ट लेकर आता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। देन उसके बाद फिर आके नाश्ता करेंगे और फिर सो जाएंगे। ये सीन है भाई आज का। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं अहमद का रिजल्ट लेने के लिए, देखते हैं अहमद साहब ने कौन से तीर मारे और किधर तीर मारे। ये अहमद का जो है ना फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट से पहले जो एक पेपर होता है असेसमेंट पेपर, तो ये उसका रिजल्ट है। फाइनल पेपर का तो मेरे ख्याल से ये रमजान के बाद ही होगा। तो एनीवे फाइनल हो या असेसमेंट हो, रिजल्ट तो रिजल्ट है, पेपर तो पेपर है ना भाई, नंबर तो अच्छे आने चाहिए बच्चों के। फिलहाल पहनते हैं शूज वगैरह और निकलते हैं, पहले के पेरेंट्स की लाइन लग जाए स्कूल में, तो आइए चलते हैं भाई रिजल्ट देखने अहमद का। यार अहमद अगर गुस्सा करेगा कि मुझे नहीं उठाया तो फिर क्या करेंगे? नहीं काम गुस्सा करेगा, रात को बड़ा डर गया था वो। हाँ सोते से काफी उठ रहा था और रो भी रहा था। तो दृश्य की बात भी पड़ गया फूका ना, फिर वो बच्चा सुकून से सोया वो। तो एनीवेज में तुम्हारे लिए कितनी 8-10 पूरे खा लोगे तुम? नहीं नहीं, आप सिर्फ एक लेकर आ जाइएगा क्योंकि मैं दोबारा सो जाऊंगी। भाई अहमद के स्कूल आ गया हमारे रिजल्ट लेने के लिए, और वही वो का डर था भाई, पेरेंट्स तो आए हुए लेकिन टीचर नहीं आए थे अभी तक। भाई बोल भी रहा था हेरा को कि हो सकता है कि टीचर्स वगैरह लेट आए, लेकिन उसने बोला नहीं टीचर तो आए हैं, बाहर मालूम करते हैं और फिर चलते हैं। अल्लाह करे अहमद की टीचर आई भी हूँ और ले देंगे रिजल्ट, फिर चलते हैं। भाई टीचर्स वगैरह अभी क्लास रूम में नहीं आई है, वो प्रिंसिपल के साथ मीटिंग में बैठी हुई है। अभी मैंने रिसेप्शन से मालूम करा था तो कह रहे भाई 9:15 बजे क्लास वगैरह में आके फिर रिजल्ट देना शुरू करेंगे। यार वही तकरीबन 9:30 का टाइम हो जाएगा मुझे लेते लेते, और अब फोन भी नहीं कर सकता हूँ हेरा को। उसकी वजह ये कि दायरी बात है, एक मोबाइल मेरा हो गया ख़राब और घर पे कोई मोबाइल है नहीं, और हेरा को अपडेट भी नहीं कर सकता हूँ मैं फिलहाल तो। लेकिन बाहर 9:15 तो हो गए, 15 मिनट और टीचर को लगेंगे, 15-18 घंटा टाइम और लग जाएगा मुझे। तो बाहर बैठे वेट तो करना है ना भाई, रिजल्ट तो लेके जाना ही जाना है, तो वेट करते हैं और फिर रिजल्ट लेके हम आकर निकलेंगे। भाई फिलहाल तो स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं और घूमते हैं फिरते हैं, 10 दफ़ा कर चुका हूँ लेकिन ज़ाहरी बात है फिर करना पड़ेगा मुझे बिला वजह में। तो देखिए भाई पेरेंट्स की लाइन लग गई है और टीचर्स क्लासरूम में नहीं है भाई, और अब पेरेंट्स आए हैं अपनी मीटिंग्स में लगी हुई है वो, और पता नहीं कब आएंगी। भाई अहमद का रिजल्ट ले लिया है और ये ऊपर से अहमद के स्कूल का लुक है भाई। अहमद का रिजल्ट ले लिया है भाई और अब मैं जा रहा हूँ घर पे, बाकी नाश्ता वाश्ता लेंगे और फिर मिलेंगे आपसे घर पे। और अब आ गए नाश्ता लेने के लिए, और नाश्ता लेते हैं हलवा पूरी और फिर निकलते हैं घर पे। भाई ये होता है फुल पंजाब का नाश्ता, हलवा पूरी ये वो नाश्ता। हाँ तो वो नान चने लस्सी ये वो फुल, ये कराची का नाश्ता है भाई। तो एनीवे भाई नाश्ता करते हैं, मिलते हैं बाद में आप लोगों से। यार मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए और 1 बजे मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है, तो अब मैं सोऊंगा फिर मिलेंगे आपसे 3-4 घंटे के बाद। भाई आपका भाई सो के उठ गया है भाई, 12:30 बजे वर्किंग पे जाना था किसी डॉक्टर के पास, तो वहाँ भी नहीं जा पाया, लेकिन देन अभी मैं जा रहा हूँ किसी और डॉक्टर के पास और टाइम हो रहा है 3 का, तो अभी जा रहा हूँ फिलहाल। और हाँ तो आप सोच रहे भाई आप ये सुबह अहमद का रिजल्ट लेने गए थे क्या हुआ, तो भाई अहमद साहब का रिजल्ट अच्छा ही आया है, जाहिर बात अच्छा ही आता है माशाल्लाह से, लेकिन ये जो लास्ट टाइम उसकी परसेंटेज आई थी 85%, उसे थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि अहमद साहब इस दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, और 1-2 पेपर में उसके कान में भी ज़रा मसला हो रहा था, जल्दी छुट्टी लेके हम लोग आ गए थे, तो इस चक्कर में उसके नंबर थोड़े से कम आए, लेकिन एक ओवरऑल तो सही है माशाल्लाह से। बाकी ये फाइनल पेपर नहीं थे, फाइनल पेपर 2 महीने के बाद हैं। 3 hours later तो भाई अहमद साहब के ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन जाते जाते अहमद के अचानक कान में दर्द शुरू हो गया, वकास अभी तक आए नहीं है, और फिर मैं अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट ले रही हूँ डॉक्टर का, ताकि ये कि वकास आते ही अहमद को लेके जाएं। ज़्यादा दर्द हो रहा है? चलो फिर रहने दो, ट्यूशन नहीं जाओ और आज फिर दिखा दो यार, क्योंकि फिर आगे रमजान शुरू हो जाएंगे। हाँ क्या है एकदम से, कभी स्कूल पहले बहुत पहले खून निकल रहा था, उसके बाद ठीक हो गया, उसके बाद फिर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हिला जा रहा है। मुस्तफा नहीं यार नहीं करो बेटा, भाई के दर्द हो रहा है, इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती है यार। मुस्तफा क्या मसला है बेटा, आप क्यों आके भाई को मारने शुरू कर देते हैं, उसकी दर्द हो रहा है। अहमद साहब मार देते हैं, उसके बाद उनको फौरन अपने भाई को प्यार भी आ जाता है।
अच्छा आओ, आप इधर आओ, आप क्या कह रहे हो मुझे बताओ, भाई को नहीं बोलो भाई की दर्द हो रहा है, आप मुझे बताओ। इनके एड्स आ जाते हैं ना टीवी पे तो फिर इनके कहने के लिए आते हैं, लेकिन इनको बुजार सी बातें बोलना नहीं आता। तुझे हालत क्या कर रही, ये जो उस दिन लेकर आए थे हम, ये वो वाला चूजा लो मुस्तफा, ये क्या किया आपने, ये देखिए गाइस, ये मुस्तफा ने चूजे की क्या हालत कर दी है, और फेंक दो उसको, ये सारे इसके बाल मुंह में ले रहा है, दर्द हो रहा है, सही नहीं हो रहा दर्द। A few inches later, और अब ये भी घर पर आए, और जब मैं घर पर आया हूँ तो घर पे हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए, इतने बड़े हमारे घर पे मेहमान आए हुए कि मैं अगर उनका नाम लू तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेहमान कौन आया भाई, दिखा दू, याद है और बेबी खाला है। तो भाई चाय पानी और नाश्ते का बंदोबस्त किया हुआ है। बात सारी है कि भाई ये बता के नहीं आई, अगर बता के आती तो हम इसके लिए और बहुत कुछ कर लेते, लेकिन ये अचानक ही टपक गई। और मैं असल में गया हुआ था भाई खाला को लेके आईस के डॉक्टर का, डायरी में जो ऑपरेशन हुआ था उसका आज फाइनल चेकअप था उनका, तो मैं उनको छोड़ के आ गया हूँ। और अभी मुझे जाना है अहमद को लेके कान के डॉक्टर का चेकअप कराने के लिए। अहमद के कान में दोबारा दर्द शुरू हो चुका है और बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट मैंने लिया हुआ, तो अहमद को लेके जाऊंगा। मैं घर आया तो भाई हमने देखा कि हमारे घर पे कोई खास लोग आए हैं, तो हमने बोला अच्छा भाई मिल लेते हैं इन लोगों से भी। पहले से और थोड़ी बुरी हो गई है, पहले थोड़ी अच्छी थी हमारे साथ रहती थी ना इस वजह से, लेकिन अब थोड़ी बुरी हो गई है। सही बोल रहा हूँ ना, सही बोलना है, बच्चा ही बोल रहा, हाँ सही बोल लिया, सही बोल लिया भाई, सही बोल लिया भाई। चाय वाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सब्सक्राइबर आए, मैं वीडियो देख रहे हैं हमारी कल वाली भाई, बच्चों वाली, मजा आया था कल भी, कुछ पूछा हम लोगों ने चाय वाय पी ली और करते हैं लाइव वाले छोटी मोटी बातें। अलावा कल क्यों नहीं आई थी भाई तू, हम लोग जब पार्क गए थे। ओ नकरे भाई, मैं कैप उल्टा कर लू इसी बात भाई, फॉर्म वाली दीवार में सर फाड़ू, इसका दिल नहीं कर रहा था। कैसी जिंदगी गुजरी थी शादी वाली, माशाल्लाह बोल, माशाल्लाह बोल, माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है, माशाल्लाह अल्लाह ताला और अच्छी गुजारे तेरी जिंदगी को भाई। नहीं तुम बताओ कौन गया, ये याद का शौर कौन गया था, चमाटे बताओ कौन गया था। हमने तो ट्रेनिंग दी है, हमने तो लाइव भाई, हमने तो लाइव पूरी 6 घंटे बिठा के ट्रेनिंग दी है, वो बुद्धि पे लगा भाई, मजाक कर रहे हैं भाई, साफ सीधी बात है, सब मजाक है, सब एक जस्ट किलिंग हो रहा है और कुछ भी नहीं। हम ऐसे मजाक करते हैं कजन्स पे, पहले भी जारी बात है कितनी वीडियोस में आई है ऐसी हंसी मजाक, फुल मारा पीटी भाई चलती थी हमारी, तो बड़े टाइम बाद आई है। शादी कितने टाइम हो गई थी, फर्स्ट टाइम आई शादी के बाद, शादी को 2 महीने हो गए ना इसकी, दो महीने के बाद आई, देखे कैसी है, अल्लाह माफ करे, भूल गए हम लोग को यार, भूल गए हम लोग, हम लोगों ने खा पी लिया है भाई, और अभी बस टाइम हो रहा है चलने डॉक्टर के, भाई अहमद को डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ अहमद को लेके डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर के जाने से पहले भाई ये मुस्तफा साहब मेरे पीछे पड़ गए, तो भाई इनको एक राउंड घुमाना कंपलसरी है, वो नहीं रोना पीटना मचा देंगे, नंबर ना हाँ जल्दी नहीं होगा बेटा। भाई अहमद और मैं आ गए हैं जो हॉस्पिटल अहमद साहब को दिखाने के लिए, ए एन टी डॉक्टर को, 15वां हमारा नंबर है और बाबा इस वक्त गया हुआ है, अहमद साहब सब बता देना। तो रश देख सकते हैं, बड़ा भी रश हो रहा है भाई, और हमारा नंबर अभी तकरीबन 6 बंदों के बाहर है, अहमद साहब का नंबर सर जी, इनके दोनों कानों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया, दोनों में से ब्लडिंग और तस भी था, इलाके में हमने दिखा दिया था किसी को, हाँ तो सर भाई अहमद को डॉक्टर को दिखा दिया, अल्लाह का शुक्र है भाई कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, बस ये कि उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक में आके इससे काम की थोड़ी बहुत सफाई करवा लीजिएगा और ये दवाइयाँ ले लीजिएगा तो माशा अल्लाह सही हो जाएगा, बेटा स्लिप हो जाओगे बता रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है भाई ठीक है, बाकी ये कि वेडनेसडे को हम दिखा के इससे काम की सफाई वफाई करवा लेंगे और ये दवाइयाँ डाल देंगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। वापस आ रहे थे हम लोग अस्पताल से तो हमारी बाइक हो गई पंचर, हाँ बेटा अल्लाह खैर कर रहे थे कि हमारी बाइक हो गई पंचर, हम पंचर लगवा रहे हैं, पंचर लगवा के फिर घर जाएंगे, ठीक है भाई। आपको तो यहाँ पे मेरा स्कूल है, यहीं पे जिस हॉस्पिटल में पैदा हूँ वो भी यहीं, वाओ दोनों का नाम सेम है, वाओ। भाई घर पर आ गए हमको दिखा के डॉक्टर के, और आते ही भाई खाना वाना लग गया भाई, खाना वाना खाते हैं शदीद भूख लग रही है भाई, और हाँ नहीं भाई नहीं लो भाई, आज बेबी खाला आई नहीं है, तो बेबी खाला आने का मतलब है कि हमारे घर में आलू की तारी बनी है, पापा खा ले।
खाते हैं। हम लोग खाना खाने बैठ गए और लाए बात 2 महीने बाद आइए, 2 महीने बाद भी इसको आलू की तैयारी मिली भाई। यार हद होती यार, ये इतनी मोहब्बत है इन लोगों को आलू की तैयारी से कि किसी की हद नहीं है। गाइस गाइस गाइस, जब भी घर में आलू की तैयारी मेरा समझ में लाए लाए और ये खिलाने मटन रोटी खाओ, चावल खाओ, ये रख दो, ये रखकर आ जाओ, चावल खाओ, चावल हाँ, प्लेट लेकर आओ, प्लेट देखे भाई, कराची जीतने की खुशी में। लाइबा हमारे खुशी अपने घर जा रही है भाई, खुदा हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। देख नकाब भी कर लिया बेचारी ने, ये होता है शादी के बाद भाई। भाई मेहमान जो आए हुए थे हमारे वो चले गए अपने घर पर, टाइम हो रहा 11:30 का और 12 बजे आपका भाई का मैच स्टार्ट हो जाएगा। मैच खेलने जाने से पहले आपका भाई करेगा ब्लॉग को एंड। तो आज का आज का सीन और दिन जो है ना, सीन और दिन पागल हो गया। आज का सीन और दिन जो है ना बड़ा खतरनाक हो गया यार, देख सकते हैं सारा बंदा काम कर करके ना बंदा पागल हो जाता है। आपने होता है कि जब किसी भी घर में एक मर्द काम करने वाला होता है ना, तो फिर बड़ी काम बहुत पंचायत हो जाती है, बहुत जाहिर सी बात है सब चीज़ें देखनी, बहुत पैनिक हो जाता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, अपनी जॉब, घर, काम काज, फिर आगे जाए 2 दिन बाद रमजान भी, अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो जाते हैं, अल्लाह ताला सारे काम सबके करवा देता है, मेरे भी करवा देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड, आपके भाई का मैच शुरू होने वाला है 12 बजे, मैं जाऊँगा अभी, तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लो, मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।